हमारे लोकल हम बचपन में पहले अम्मी आपको नहीं अलाउ करती ना कि आप फेस मास्क लें और बाकी चीजें है yeah. तो आप शुरुआत करते हैं बेसन से, बेसन से 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 मुल्तानी मिट्टी शहद और लीमू से, yes. ये मास्क कैसे होते हैं वेरी गुड इवन अप टिल नाउ इतनी पढ़ाई कर ली स्किन के बारे में इतना कुछ ट्रीटमेंट्स कर लिया लेकिन डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी आई वुड गिव इफ संी से मैं घर में खुद मास्क बना के लगाती हूँ आई नेवर डिस्करेज दैट कस्टमर सुना आपने स्किन एक्सपर्ट्स भी होम रेमेडीज को 100 परसेंट रिकमेंड करते हैं कि जरूर किया कीजिए ये बहुत अच्छे फवायद देती हैं स्किन को तो चलिए इसी खुशी में एक बहुत ही खूबसूरत सा फेस मास्क आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो एंटी एजिंग भी है आपको खूबसूरत सी स्पॉटलेस स्किन देगा मैंने हाथों पर भी इसको अप्लाई किया था उसके साथ साथ ये आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत सी फ्रेशनेस हाइड्रेशन और ग्लो देगा मैं अपने हाथों पर भी इस मास्क को अप्लाई करती हूँ और पाओं पर भी अप्लाई करती हूँ अगर आप लोगों को ये तमाम फवाद चाहिए हैं जो मैंने बताए हैं तो इस मास्क को आपने महीने में चार बार यानी हफ्ते में एक बार जरूर अप्लाई करना है तो चलिए देखते हैं ये मास्क कैसे बनेगा कैसे अप्लाई करना है और क्या फवाद नजर आएंगे हमें वन टीस्पून लेना है कॉर्नफ्लोर वन टी स्पून ही लेना है चावल का आटा और एक छोटे साइज का आप लोगों ने पूरा अंडा लेना है छोटे साइज का अंडा ना हो तो सफेदी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब ये चीजें मिक्स हो जाए कोई गुटली नहीं रहनी चाहिए चीज का ख्याल रखिएगा हाफ टी स्पून डालना है शहद का दो से तीन कतरे डालने हैं लेमन के उसके बाद दोबारा से मिक्स कर दीजिएगा तमाम चीजों का मास्क आपका तैयार है इसको आपने अप्लाई करना है अपने फेस के ऊपर जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं मास्क को आपने फेस के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई करना है इतना अप्लाई करना है कि उसकी एक थिक थिन नहीं थिक, मोटी सी लेयर आपके फेस के ऊपर होनी चाहिए है। अगर आपको लगता है कि मास्क आपका पतला है टिक नहीं रहा फेस के ऊपर तो कोई बात नहीं एक कोट अप्लाई कीजिएगा उसके बाद सेकेंड और थर्ड कोट अप्लाई कर लीजिएगा इस तरह से जो आपका मास्क है वो थिक लेयर में होगा 15 बीस मिनट ये लगा रहेगा तब ये ड्राई होना फील हो जाएगा आपको जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आपने नीम गर्म पानी से इसको वॉश करना है और अपना मॉइस्चराइजर जो भी है वो लगा लेना है आपकी स्किन इतनी खूबसूरत होगी इतनी सॉफ्ट होगी कि आप कहेंगे कि मैंने ये मास्क पहले क्यों नहीं अप्लाई किया फ़वाद मैं आप लोगों को इस मास्क के पहले ही बता चुकी हूँ तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को ये मास्क अच्छा लगेगा जरूर ट्राई कीजिएगा दुआ में याद रखिएगा इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़